जानने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, संडे इवनिंग फटाफट डिनर में बन रहा है राइस, बंगाली स्टाइल पतली वाली दाल और आलू भरता या आलू भाते। और हम लोग बाहर जाने वाले हैं, कल भी बहुत हैवी खा लिए थे तो बस वही बना लिया है और टाइम भी बहुत कम था। अभी मैंने वीडियो एडिट करके अपलोड किया है और फिर से बाहर जाएंगे। और अगर मेरा लास्ट ब्लॉग जो मैंने अभी अपलोड किया है वो अगर देखोगे, क्यों बाहर जा रही हूँ आपको पता ही होगा कि रायन का फिर से शॉपिंग के लिए। और हाँ, मैंने आज कुकर में आलू बॉयल कर लिया है, लेकिन आलू माइक्रोवेव में भी बहुत अच्छे से बॉयल हो जाता है बिना पानी का, पर उससे आलू का जो कार्ब स्टार्च है जिससे इंसुलिन स्पाइक होता है वो इंटैक्ट रह जाता है। इसीलिए मैं माइक्रोवेव में जब भी आलू बॉयल करती हूँ पानी में ही बॉयल करती हूँ। इससे क्या होता है कि शुगर स्टार्च वो निकल जाता है। और ये बात मुझे जब मेरे पापा डायग्नोस होते थे हाई ब्लड शुगर लेवल, तब डॉक्टर ने कहा था आलू जब भी आप बॉयल करो बॉयल इट इन वाटर एंड डिस्कार्ड दैट वाटर। तो इसीलिए नहीं तो अदरवाइज माइक्रोवेव में मैं जब भी आलू बॉयल करती हूँ मैं ऐसे ड्राई बॉयल कर सकती हूँ, डायरेक्ट मोड है। पर आप मुझे देखे होंगे कि मैं माइक्रोवेव से आलू निकालती हूँ बॉयल्ड आलू पानी में, उसी का एक ही रीजन है ताकि उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा लो हो जाए, उसका शुगर कार्ब स्टार्च सॉरी कार्ब में कार्ब तो रहेगा स्टार्च कम जितना हो सके, मैं इसीलिए करती हूँ। खैर चलिए फटाफट मैं बाकी और काम करके, तब तक राइस भी हो जाएगा और दाल मैंने चढ़ा दिया है। आलू को मैं सिर्फ जीरा और ये सूखी मिर्च फ्राई करके अच्छे से मैश करके मैं आलू चोखा बना लूंगी। रेडी फिर से बाहर जा रहे और कैमरामैन की शॉपिंग के लिए। अभी का कैमरामैन आपको समझ में आ ही गया होगा, रायन है। तो रायन की शॉपिंग के लिए अभी जा रहे हैं हम लोग डीसीसी या फेस्टिवल। डीसीसी तो चलिए चलते हैं। फेस्टिवल विल गेट पार्किंग, लेट्स सी। रायन का शॉपिंग से क्या क्या खरीदा है। ऐसा एक शर्ट लिया है, ये उसने बशका से लिया है और पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, ऐसा वाला नीटेड टाइप का कुछ ये शर्ट। और फिर बाकी उसने मैक्स से लिया है। मैक्स से शॉपिंग करता है तो आई एम रियली वेरी हैप्पी, क्योंकि काफ़ी बजट में होता है, क्वालिटी भी अच्छा होता है। और कुछ दिन ना खासकर टी शर्ट्स बाहर पहन लेता है, फिर घर पर पहन सकते हैं क्योंकि मटेरियल इतना कम्फर्टेबल होता है। ये काफ़ी समरी सा एक शर्ट लिया है उसने मैक्स में, उसका बशका से बाकी कोई भी ब्रांड से लेता है अमेरिकन ईगल, वो मेन सेक्शन से ही होता है, सबसे स्मॉल हो जाता है उसका। ये स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल है, शर्ट एक्स्ट्रा स्मॉल है बशका का, ये ब्लैक शर्ट। पर मैक्स का अभी भी रायन 15 टू 16 ईयर्स का जो है वो उसी में फिट आता है वो, ये वाला एक शर्ट। हाँ, लेकिन मैक्स का भी अगर वो रेगुलर लूज फिट वाला कुछ, उसका एक अलग से रिलैक्स्ड फिट, वही उसको फिट आता है, अदरवाइज वो उसको फिट नहीं आता है। फिर वो लेंथ में छोटा होता है, फिर उसका ना बैक बहुत ब्रॉड है, स्किनी है पर बहुत ब्रॉड है, शोल्डर में अटक जाता है, फिर हाथ नहीं उठा पाता है वो। इसने ये वाला टी शर्ट लिया है, हाँ ये भी है रिलैक्स फिट। सारे जो मैक्स से उसने लिया है 15 टू 16 ईयर्स का, सारे ही है रिलैक्स फिट। और ये ग्रीन एक
समर्स में कोल्ड स्मूदी, जूसेस और होममेड पॉप्सिकल्स, ये सभी को पसंद है। और घर में बनाने से एटलीस्ट वी नो द इंग्रेडिएंट्स आर ऑल नेचुरल, नो एडेड शुगर। इसीलिए मैं रायन का फेवरेट वाटरमेलन जूस बना रही हूँ, जिसके लिए मैं छोटे छोटे काट ले रही हूँ ताकि सारे सीड्स निकल जाए। ऐसे ही वाटरमेलन में तो फाइबर है नहीं, उसको अगर स्ट्रेन कर दूंगी तो कुछ भी नहीं रहेगा उसमें। मेरी छोटी सी फैमिली के लिए छोटी सी मिल प्रेप, वो भी समर स्पेशली बोल सकते हो, जूस एंड स्मूदीज। आयन आजकल हमेशा ही बोल रहा है ही नीड्स टू ड्रिंक सम जूस, तो उसी के लिए मैंने खासकर बना के रख दिया आज उसका वाटरमेलन जूस। ऑरेंज जूस तो रेगुलर बेसिस पे पीता है, मैं थोड़ा ज़्यादा ही करके मैं रख रही हूँ क्योंकि वो आजकल बाहर जा रहा है, बाहर से आके वॉन्ट्स टू ड्रिंक समथिंग जूस। और ये तो राजीव का है, बीटरूट और वाटरमेलन जूस तो नहीं, स्मूदी, क्योंकि मैंने स्ट्रेन किया नहीं है। मेरे पास जूसर भी है पर हम वो यूज़ करते ही नहीं है। तो सुबह की आज मिल्क प्रेप बस आज लिक्विड पे ही है। जेड तो देख के लग रहा है कि ये मर चुका है, पर ना यहाँ फेंक नहीं पा रहे क्योंकि ना यहाँ पे कुछ ग्रीन ग्रीन नए वाले स्टेम्स आ रहे हैं। होप इट विल सर्वाइव। अगर आप लोगों को किसी को कुछ प्लांट के बारे में पता है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जितनी भी छुट्टियाँ हो, होममेकर्स घर पे अगर हो तो ये सारे काम तो बंद नहीं होता है until and unless we are traveling, we are going for holidays or at least staycation. जैसे cleaning, थोड़ी बहुत घर में cooking and washing clothes, ये तो कभी भी बंद हो ही नहीं सकता। Hello friends, welcome back. आज weekdays है but grocery करके आई हूँ क्योंकि कल Tuesday बहुत rush होने वाला है क्योंकि Wednesday back to school, back to work और आंका स्कूल में PTM भी है, तो मुझे Tuesday रात को और ज़्यादा कुछ काम चाहिए नहीं था, मिल प्रेप उसी में लग जाना है। तो आज जाके ग्रॉसरी करके आई हूँ। सबसे पहले चिकन लेके आ गए हैं और फ्रीज़र वाले आइटम और फ्रिज वाले आइटम में दिखा के फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। चिकन, फिर है योगर्ट, फिर है एग वाइट, हाँ मैं ये रख के फिर वापस आती हूँ। फिर कद्दू लेके आई हूँ और मैं आके इतना एक्साइटेड थी कद्दू काट सकती हूँ कि नहीं अपने नए वाले चाकू से। लास्ट व्लॉग में मैं दिखाई थी नया चाकू लेके आई हूँ, उस चाकू से काट सकती हूँ कि नहीं, मैं ओवर एक्साइटेड होके काट के काटने में ही लग गई थी। मैं काट के चॉपिंग को धो, फिर मुझे याद आया कि ये सब पड़ा हुआ है, तो हाँ आई मैनेज टू चॉप, इट वॉज क्वाइट ईजी। मेरे सारे चाकू मतलब इतने ब्लंट हो गए थे कि आई टू फाइंड इट मच डिफिकल्ट। वो हो गए, मैं आम भी सोक करने लगी थी फिर याद आया कंप्लीट ऑल दिस। और स्ट्रॉबेरीज, 3 packs ऑफ स्ट्रॉबेरी, और रैप्स के लिए ये वाले ब्रेड, हमस, करेला, एक लौकी, फिर 2 types का आम है, एक है अल्फांसो और दूसरा है केसर। ये मुझे सूप करना है। आंवला, ये इसको क्या बोलते हैं, टेंडली लिखा हुआ है बंगाली में, तो मुझे पता है कुंदरी बोलते हैं, कुंदरू शायद बोलते हैं हिंदी में। ये कैरेट, परवल, क्यूकम्बर, टमेटो, और मुझे पील गार्लिक मिला नहीं तो मैं होल गार्लिक लेके आ गई हूँ, और एक प्रोटीन ड्रिंक चॉकलेट फ्लेवर, और एक रान का कुकीज, दैट्स इट। वो हम मिल्क जो मैंने रख दिया है, चाय बनाने वाली जो लो फैट मिल्क लेके आते हैं वो, उसका 4 pack आता है वो भी मैंने रख दिया है।
बैक फ्रॉम जिम और अब डिनर में बना रही हूँ चिकन बिरयानी। और चिकन बिरयानी के लिए सबसे पहले मैं तेल गर्म होते डाल दिया है प्याज, और आज राजीव करते हैं तो प्याज राजीव ने बहुत सारा ढेर सारा प्याज स्लाइस करके दिया। और तेल में मैंने कोई भी होल गर्म मसाला ऐड नहीं किया था क्योंकि शान का पिलाव बिरयानी मसाले में सब कुछ इंक्लूडेड होता है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है ताकि प्याज थोड़ा जल्दी से ट्रांसलूसेंट हो जाए। फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसको अच्छे से भून लूँगी ताकि रॉ स्मेल चला जाए। फिर चिकन ऐड करूँ। चिकन को मैंने दही से मैरिनेट नहीं किया है क्योंकि फिर चिकन को अच्छे से भून नहीं पाते, बहुत सारा पानी निकल जाता है। फिर चिकन की अच्छे से भुनाई नहीं होती, वो बॉयल्ड वाला टेस्ट या टेक्सचर आ जाता है, इसलिए मैं दही बाद में ऐड करूँगी। और मैं यहाँ पे अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, और यहाँ मैं इंटेंसिटी चूज़ कर रही हूँ। मैं ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला कॉफ़ी नहीं पी पाती हूँ, बहुत ज़्यादा बिटर लगता है मेरे लिए। मैक्सिमम 7, राजीव को बहुत पसंद है 9-10, उसको जितना भी बिटर दो ही एन्जॉयज इट। और यहाँ पर एक ब्लेंडर हुआ, कॉफ़ी मशीन के टैंकर में इतने इनफ पानी था नहीं कि मेरी कॉफ़ी फुली बन पाती, और वो बीच में बंद हो गया था। वाटर टैंक वाज नॉट फुल, आई डिडंट गेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। चिकन की भुनाई के टाइम में यहाँ पे थोड़ा सा पिलाव बिरयानी मसाला थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ ताकि चिकन भुनने के टाइम भी थोड़ा सा फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो जाए। और धनिया पुदीना काट रही हूँ, ये नया वाला चाकू जब से आया है सारा चॉपिंग कटिंग मैं ही कर रही हूँ, एकदम फटाफट हो रहा है विदाउट स्ट्रेनिंग माय फोरआर्म एंड शोल्डर। और दही में मैंने यहाँ पे पिलाव बिरयानी मसाला जितना चाहिए बनाने के लिए उसको मिक्स करके रखी थी, इससे दही भी नहीं फटता है। और दही को थोड़ी देर पहले फ्रिज से निकाल के रखना भी ज़रूरी है, नहीं तो दही कड़ल हो जाएगा। फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी, चलाती रहूँगी जब तक दही कुक ना हो जाए। उसके बाद चिकन को प्रॉपर कुक करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल के लिड लगा के कुक कर लूँगी। मैं चिकन भी प्रॉपरली कुक कर लेती हूँ, राइस भी कुक कर लेती हूँ, फिर असेंबल करती हूँ, सिर्फ दम लगाती हूँ बिरयानी में। छुट्टी फिनिश ना? Yeah. No more holidays now. Yeah. Be in your busy life. और बिरयानी के लेयर कर रही हूँ, चिकन की एक लेयर, फिर राइस, उसके बाद धनिया पुदीना और थोड़ा सा फ्राइड अनियन। मैं मदर्स रेसिपी का फ्राइड अनियन ही लेके आई हूँ, पहले दूसरा एक ब्रांड का लेके आ रही थी, पर दिस इज़ इंडिया मेड। ऑब्वियसली जो भी इंडिया मेड मिलता है हम लेके आ जाते हैं। दो लेयर होगा सेम, और मैं यूजुअली लेयर्स के बीच थोड़ा घी ऐड करती हूँ, पर इस बार मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि हॉलीडेज चल रहे थे, बाहर खा रहे थे, सारे हाई कैलोरी फूड हो रहा था। I just wanted to keep it little lighter. Next day से school, office सब कुछ open होने वाला था, back to normal routine. और साइड बाय साइड बिरयानी के साथ साथ मैं मिल प्रेप भी कर रही थी, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत कर रही थी। और करेला यूजुअली मैं फूड प्रोसेसर में स्लाइस कर लेती हूँ, लेकिन ये नया वाला चाकू आया ना, सब कुछ काट काट के मैं देख रही थी कि चाकू कितना अच्छा है, या इट्स अ गुड वन। अभी तो नया है, इट्स रियली शार्प। और एयर फ्रायर में मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और हल्दी डाल के एयर फ्राई कर लूँगी, 200 डिग्रीज पे 18 मिनट्स में हो जाता है। और एक तरफ एक्चुअली बिरयानी दम पे लगा के मैं डिशवॉशर लोड करने लगी थी क्योंकि साथ साथ क्लीनिंग करते रहना है, अदरवाइज इट गेट्स रियली लेट एट नाइट। और डिशवॉशर जब तक मैं लोड नहीं करूँगी सिंक एरिया पूरा एकदम क्लटर्ड रहता है, मैं कुछ और काम कर भी नहीं पाती हूँ।
कुछ ना कुछ घर में खाना तो बन रहा था, पर हम लोग इतना ज़्यादा बाहर जा रहे थे, लंच करके बाहर निकल गए, डिनर के बाद बाहर निकल गए, कि क्लीनिंग तो मैं गैस स्टोव बस किसी भी तरह वाइप डाउन करके निकल जा रही थी। तो आज मुझे मौका मिला था, एकदम घिस के कर रही थी। मेरे ना अंदर कैसा कैसा हो रहा था, क्योंकि मैं अच्छे से मतलब स्क्रब करके क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी। आज तो मैं बस बिरयानी दम से उतरने के लिए वेट कर रही थी, ताकि मैं गैस स्टोव अच्छे से घिस घिस के क्लीन कर पाऊँ। अभी एडिटिंग के टाइम देख रही हूँ, ना ही प्रॉपर से फोकस हुआ है, ना ही कलर समझ में आ रहा है, ना ही एंगल सही से हो रहा है। एक्चुअली हम लोग तीनों साथ में बैठ रहे थे ना डिनर के लिए, तो मुझे अलग से वीडियो और फोटो लेने का टाइम मिला ही नहीं। बिरयानी में धनिया पुदीना पूरा बंच तो हमारा यूज़ होता नहीं है। धनिया तो ठीक है, मैं वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ वो सैलड स्पिनर में, फिर टिश्यू रैप करके फ्रिज में रख देती हूँ। पर पुदीना मैं वैसे करके धनिया जैसे सेव करती हूँ वैसे रखती भी हूँ ना, तो वो यूज़ अप नहीं होता है, ख़राब हो जाता है। तो मैंने कल अच्छे से वॉश करके एयर ड्राई करने के लिए रख दिया था। अब इसको अच्छे से हो गया, क्रश करके एक बॉक्स में रख दूँगी, क्योंकि ड्राइड का फ्लेवर भी अच्छा ही होता है, वो एरोमा सही रहता है। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग।